सकते हैं इस प्रकार सा इंटेक्स का कैबिनेट है और इसमें कुछ बचा नहीं, सारे कंपोनेंट्स अभी हम सारे बाहर निकाल लिए हैं। देख सकते हैं ये डिविड राइटर हो गया, देख सकते हैं ये आपका SMPS हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क हो गया और यहाँ पे रैम हो गया, साथ ही साथ आपका यहाँ पे फैन हो गया और यहाँ पे आपका मदरबोर्ड और प्रोसेसर हो गया। सारे कंप्यूटर CPU के अंतर्गत यही सारे पार्ट्स लगे हुए रहते हैं। तो चलते हैं गाइस, अभी हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने वाले हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये हार्ड डिस्क 500 GB का है, WD का है और इस हार्ड डिस्क पे अभी हम खोल के आपको डिटेल से दिखाने वाले हैं कि कैसे ये रीड करता है, कैसे राइट करता है और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है कंपोनेंट, सारा डिटेल अभी हम इस वीडियो पे दिखाने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने वाले हैं कि मेरे पास CPU है, इस CPU के अंदर हार्ड डिस्क लगा होता है, तो हार्ड डिस्क को हम सारा पर्दाफाश करने वाले हैं, खोल के दिखाने वाले हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और एक CPU के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, सारा डिटेल इस वीडियो पे आपको हम दिखाने वाले हैं। यार इसको अभी हम जल्दी से ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्विच दिया गया है और यहाँ पे पावर बटन है इस CPU का, पावर बटन को प्रेस कर दिया और अभी हम कंप्यूटर को चालू कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से कंप्यूटर ऑन हो रहा है, स्टार्टिंग विंडोज प्रकार से वेलकम आ गया है और यहाँ पे सारे वर्किंग पे है इस कंप्यूटर, आप देख सकते हैं। और ये CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे इसमें नेट नहीं है, तो अभी हम नेट से एक वीडियो चला के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट मेनू है और प्रोग्राम से टाइपिंग मास्टर भी ऑन कर लिए हैं और यहाँ पे टाइप इस प्रकार से अभी हम करते हैं और इस प्रकार से सारे वर्क कर रहा है कंप्यूटर, सारे को अभी हम बंद कर दिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, इस प्रकार से सारे अभी ये वर्किंग पे है। देख सकते हैं इस प्रकार से कंप्यूटर सारे वर्क कर रहा है और चलते हैं CPU को जल्दी से अभी हम यहाँ पे शट डाउन कर लेते हैं और शट डाउन कर लिए हैं। और एक CPU के अंदर हार्ड डिस्क होता है, तो हार्ड डिस्क के अंदर सारा डाटा को स्टोर किया जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, सॉन्ग होते हैं, वीडियो होते हैं, सारा हार्ड डिस्क पे ही लोड होता है। हार्ड डिस्क को अभी हम ओपन करके दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर दिखाएंगे कि उसमें क्या डिस्क होता है, कैसे वर्क करता है। तो गाइस इसी वीडियो पे हम दिखाने वाले हैं, सो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। तो चलते हैं गाइस ओपन स्टूडियो पे। A few moments later. So guys, आप देख सकते हैं अभी हम अपने कोचिंग से नीचे चेक करके आपको दिखाएं डिटेल से कि CPU वर्किंग पे है और सारा विंडोज सॉफ्टवेयर सारा इसमें वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं अभी हम आपको दिखाएं ओपन स्टूडियो पे, अभी देख सकते हैं इधर का नज़ारा कितना बेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। और गाइस अभी हम CPU को भी डिटेल से अभी दिखाने वाले हैं, CPU के अंतर्गत क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और कैसे वर्क करता है और साथ साथ अभी हम हार्ड डिस्क को इसको ओपन करके दिखाने वाले हैं और हार्ड डिस्क का राज आपको इस वीडियो पे दिखाएंगे। देख सकते हैं CPU का डिटेल अभी आपको हम बताने वाले हैं और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, SMPS है, DVD राइटर है, ये सारे अभी हम ओपन करके दिखाएंगे और साथ ही साथ एक हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे, कवर है उसको हम खोल के पूरा डिटेल से दिखाने वाले हैं और हार्ड डिस्क के अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं और सारा आज हम इस वीडियो पे आपको दिखाने वाले हैं। और साथ साथ हम चेक भी करेंगे कि हार्ड डिस्क ओपन करने के बाद, सारा देखने के बाद, सारा खुलने के बाद दोबारा वर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो इसी वीडियो में आपको डिटेल से अभी हम दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं, CPU को अभी हम ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से चारों तरफ से आपको हम दिखा देते हैं और साथ ही साथ अभी हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो कभी भी आप एक CPU को ओपन करने के लिए सबसे पहले ये साइड आप देख सकते हैं पोर्ट लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है, तो ये साइड को आपको नीचे की ओर रखना होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्क्रूप लगा हुआ है जो कवर का है और फिलहाल हमारे पास, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है और इस स्क्रू ड्राइवर से अभी हम इस सारे स्क्रूप को अभी हम निकालने वाले हैं जो भी ढक्कन लगा हुआ है कैबिनेट का। तो चलते हैं गाइस, आपको हम इस प्रकार से अभी हम कवर खोल के दिखा रहे हैं और कैमरामैन को चाहते हैं कि थोड़ा सा सामने आकर के दिखाएं और इस प्रकार से। सो गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से अभी यहाँ पे सारे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं ये मदरबोर्ड का फैन लगा हुआ है और इसके अंतर्गत प्रोसेसर डाला हुआ है जो कि ठंडा रखता है, कूलन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। और देख सकते हैं गाइस आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ साथ आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक रैम लगा हुआ है जो कि यहाँ पे 2 GB का रैम लगा हुआ है
और फिलहाल अभी हम रैम को साइड रखते हैं। एक सीपीयू के अंतर्गत जितना सारे यहाँ पे लगा हुआ है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क सारे अभी हम ओपन करते हैं। अभी हम हार्ड डिस्क को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्क्रू दो लगा हुआ है हार्ड डिस्क पे। और इसी हार्ड डिस्क को अभी हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स लगा हुआ। और सो गाइस आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क को अभी हमारे हाथ पे आ गया है और यहाँ पे डिटेल इसका मेंशन किया गया है। देख सकते हैं 500 GB का हार्ड ड्राइव है, WD कंपनी का ब्लू है। और इस प्रकार से यही हार्ड डिस्क पे सारा डाटा कंप्यूटर का स्टोर किया जाता है, इसी में स्टोर रहता है। और चलते हैं जल्दी से, अभी हम हार्ड डिस्क और रैम सामने पे निकाल दिए हैं और स्क्रू ड्राइवर की मदद से अभी हम मदरबोर्ड को निकाल रहे हैं। और इस प्रकार से मदरबोर्ड का स्क्रू यहाँ पे 4 दिया गया है। सारे स्क्रू अभी हम पे सामने पे निकाल के रख लिए हैं और जल्दी से चलते हैं मदरबोर्ड को अभी हम निकालते हैं। उससे पहले यह हार्ड डिस्क का साटा केबल है, साथ DVD का साटा केबल है और साथ SMPS का कोड इधर सारे निकल के आ गया है सामने। और जल्दी से चलते हैं अभी हम मदरबोर्ड को निकालते हैं। लग रहा है एक स्क्रू और अटका हुआ है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से मदरबोर्ड सामने निकल के आ रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं मदरबोर्ड सामने निकल के आ गया है और ये ऑडियो का जैक लगा हुआ है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से, ये ही मेनबोर्ड है, मदरबोर्ड इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे फैन लगा हुआ है देख सकते हैं और इसके अंतर्गत प्रोसेसर लगा हुआ है। तो चलते हैं जल्दी से, अभी हम प्रोसेसर भी आपको ओपन करके दिखाते हैं जल्दी से। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे फैन का लॉक है, लॉक को घुमाना पड़ेगा इस प्रकार से। डस्ट भरा हुआ है क्योंकि बहुत दिन से कंप्यूटर चला हुआ है, इसी के लिए ये कभी खुला नहीं था। साथ वर्किंग पे पूरा अच्छे से वर्क ये कंप्यूटर कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं यही प्रोसेसर है, मान के चलिए यही ब्रेन है एक तरह का। और यहाँ पे प्रोसेसर को अभी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये भी प्रोसेसर सामने निकल के आ गया है। तो इस प्रकार से मदरबोर्ड पे एक प्रोसेसर लगता है, अच्छे से बैठता है। फिलहाल अभी इसका हम एक्सपेरिमेंट कुछ करके दिखाने वाले नहीं है, हम हार्ड डिस्क का भी एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो जल्दी सॉकेट लगा हुआ है, वापस अभी हम इसी जगह पे बैठा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे घाट बना हुआ है और घाट पे ही इसको सेट करना होता है, अलग से बैठाना नहीं होता है। तो यहाँ इस प्रकार से अभी हम फिलहाल बैठा दिए हैं, वापस इस प्रकार से आपको फैन बैठाना हुआ। फिलहाल अभी हम इसको साइड रखते हैं और साथ अभी आपको हम यहाँ पे SMPS और DVD लगा हुआ है, इसको खोल के दिखाने वाले हैं। और इस प्रकार से अभी आपको हम ओपन कर रहे हैं SMPS को। SMPS का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई और इस प्रकार से वर्क करता है 12 वोल्ट, 5 वोल्ट। और जानकारी प्राप्त करना है तो VK कंप्यूटर आइए ज्वाइन कीजिए हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स। हार्डवेयर का और भी जानकारी चाहिए तो आइए VK कंप्यूटर ज्वाइन कीजिए हार्डवेयर कोर्स पे और अच्छे से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज आप देख सकते हैं इस प्रकार से अभी हम SMPS के सारे स्क्रू निकाल लिए हैं और ये निकल के आ गया, ये भी थोड़ा सा डस्ट भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये इंटेक्स कंपनी का SMPS है। और ज़्यादा डिटेल और भी जानकारी चाहिए तो हमारे कोचिंग पे कंप्यूटर हार्डवेयर के क्लास दिए जाते हैं, और भी अच्छे तरीका से आपको देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा था आके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे अभी आपको लेके चलते हैं। फिलहाल अभी हम इसको वापस यहीं पे रख लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कैबिनेट आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ एक डिब्री राइटर आपको दिखाई दे रहा है। डिब्री राइटर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। सारे स्क्रू को हम निकाल लिए हैं और ये आगे की ओर निकलेगा DVD, देख सकते हैं। कभी भी DVD को आगे की ओर से निकाला जाता है और ये भी डस्ट भरा हुआ है, थोड़ा सा पुराना हो गया है और इसको भी हम साइड रखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ बचा नहीं, ये अब कबाड़ खाली बचा है, सिर्फ ढक्कन बचा है कंप्यूटर का। प्रकार सा इंटेक्स का कैबिनेट है और इसमें कुछ बचा नहीं, सारे कंपोनेंट्स अभी हम सारे बाहर निकाल लिए हैं। देख सकते हैं ये DVD राइटर हो गया, देख सकते हैं ये आपका SMPS हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क हो गया और यहाँ पे रैम हो गया, साथ ही साथ आपका यहाँ पे फैन हो गया और यहाँ पे आपका मदरबोर्ड और प्रोसेसर हो गया। सारे कंप्यूटर CPU के अंतर्गत यही सारे पार्ट्स लगे हुए रहते हैं। तो चलते हैं गाइस, अभी हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये हार्ड डिस्क 500 GB का है, WD का है और इस हार्ड डिस्क पे अभी हम खोल के आपको डिटेल से दिखाने वाले हैं कि कैसे ये रीड करता है, कैसे राइट करता है और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है कंपोनेंट, सारा डिटेल अभी हम इसी वीडियो पे दिखाने वाले हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से अभी केबल को साइड रखते हैं और यहाँ पे हार्ड डिस्क हम रख लिए हैं और यहाँ पे देख 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्क्रू लगा हुआ है। ये 6 स्क्रू को बाहर निकालते हैं और साथ साथ पीछे का कार्ड है, इस कार्ड को भी हम निकालने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं, हम पीछे से ही सारा कार्ड को अभी हम ओपन करते हैं।
आपको अभी अगर हार्ड डिस्क खोलना है तो इस प्रकार से 6 हेड का स्क्रू ड्राइवर रखना होगा और यहाँ से स्क्रू को हम बाहर निकालते हैं, बताने वाले हैं और दिखाने वाले भी हैं। और इस प्रकार से अभी हम कार्ड को निकाल दिए हैं और इस प्रकार से कार्ड हाथ में निकल के आ गया है गाइस, आप देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत देख सकते हैं एक फॉर्म लगा हुआ लग रहा है, हाँ ये एक फॉर्म लगा हुआ है। ये हार्ड डिस्क बिल्कुल नया है, फ्रेश है, बट कभी ये ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए इस प्रकार से सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको कभी हमने खोला नहीं है और यहाँ पे स्क्रू इधर से लगा हुआ है, इसको भी हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे का पोर्शन है, इसको भी हम 6 स्क्रू को बाहर निकाल लेते हैं। गाइस इस प्रकार से सभी स्क्रू निकाल दिए हैं और ये अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसके लिए और भी हम चेक कर लेंगे स्क्रू और बचा हुआ है क्या। तो देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता है स्टिकर के नीचे भी हो सकता है स्क्रू, हमको पता नहीं है, बट लेकिन चेक करने के लिए यहाँ पे हम स्टिकर को उतारने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से एक माइनस हम ले लेते हैं और इसको स्टिकर को उतार देते हैं। GB पे और स्टिकर का नीचे भी दिया हुआ रहता है स्क्रू और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ओपन कर लिया, अब कोशिश करते हैं खोलने की। और यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही कड़ा लग रहा है और भी स्क्रू है, अब लग रहा है और भी स्क्रू है। तो सारे स्टिकर को अभी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं इस प्रकार से लग रहा है एक भी स्क्रू अब नहीं बचा है और यहाँ से अभी हम खोलने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से अभी हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं माइनस के मदद से अभी हम खोले जा रहे हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे इस प्रकार से एक साइड से उतार लिए हैं, दूसरा साइड से आप देख सकते हैं इस प्रकार से गम लगा हुआ होता है, लग रहा था कि और स्क्रू इसमें है और भी स्क्रू यहाँ से मिला नहीं। और इस प्रकार से आपको धीरे धीरे गाइज इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा और ये हार्ड डिस्क का राज आपको आधा लगभग आपको मिल गया है। रुको जरा, सबर करो, अभी हम हार्ड डिस्क को अच्छे से खोल पाए हैं और ये अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। अभी हम प्लेट को भी बाहर आपको निकाल के दिखाएंगे। सो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ है। सो गाइस अभी हम इसको टच नहीं करते हैं, टच करेंगे तो हो सकता है ये जो भी डिस्क है ये हो सकता है कि खराब हो सकता है, हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से चमक आ रहा होगा। और अभी हम अपना चेहरा देखने की कोशिश करते हैं तो देख सकते हैं गाइस इस प्रकार से आपको आईने की तरह डिस्क पे आपको मेरा चेहरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हार्ड डिस्क का अंदर का डिटेल आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। और तो अभी हम इस डिस्क को भी बाहर निकालेंगे और वापस फिर फिट करेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर में चल पाता है या नहीं पाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से चेहरा भी अच्छे से दिखाई देता है इस डिस्क पे। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम डिस्क निकालने की कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से निकल पाएगा या नहीं पाएगा। तो चलते हैं गाइस, अभी हम यहाँ पे स्क्रू दिखाई दे रहा है, इस स्क्रू को सारे को अभी हम ओपन करते हैं। सो आप देख सकते हैं इस प्रकार से सभी स्क्रू को हम बाहर निकालने वाले हैं और इस प्रकार से सारे स्क्रू को हम मोमेंट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो देख सकते हैं गाइज अभी हम लास्ट स्क्रू आपको निकाल रहे हैं और इस प्रकार से देख सकते हैं इस प्रकार से ये निकल के आ गया और इसको हम वापस दोबारा का सामने वाला आपको दिखा दे रहा होगा और ये वापस फिर बैठाना है। तो घाट आपको देखते जाना, उसे अनुसार फिर वापस बैठाएंगे। एक घाट है यहाँ पे बना हुआ, इस घाट को अभी हम ऊपर की ओर रखना होगा, फिलहाल यहाँ पे हम साइड रख देते हैं और यहाँ पे चलते हैं डिस्क को उठाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से सामने डिस्क हाथ में निकल के आ गया है, और इसी डिस्क पे सारे डाटा का स्टोर किए जाते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 500 GB के था, फिलहाल अभी हम यहाँ पे ये स्टिकर को उचाट दिए हैं और ये 500 GB का है। तो 500 GB सारे डाटा यहाँ इसी डिस्क पे स्टोर होता है, जैसे एक CD DVD का डिस्क होता है उसी प्रकार से इसका भी हार्ड डिस्क का एक डिस्क बना हुआ रहता है, इसी के अंतर्गत 500 GB डाटा स्टोर किया जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से डिस्क सामने निकल के आ गया और यहाँ पे रीड कराने के लिए एक यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, इसी मोटर से ये रीड करने की काम करता है। आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क का सारा डिटेल अभी हम ओपन करके दिखाएं
कि इस प्रकार से डिस्क होता है और साथ साथ रीड करने के लिए एक मोटर लगा हुआ होता है और इसी प्रकार से 500 जीबी का डाटा स्टोर इसी में किया जाता है। तो चलते हैं गाइस, इसको वापस अभी हम इसको फिट करते हैं और देखते हैं वापस ये वर्किंग पे है या नहीं है। तो ये सारे डिस्क को वापस जैसे खोले हैं उस प्रकार से वापस फिट करते हैं और देखते हैं ये वर्किंग पे है या नहीं है। तो चलते हैं जल्दी से, अभी हम इसको फिट करते हैं। फिट करने के लिए जैसे इसको हम ओपन किए हैं उसी प्रकार से भी इसको डिस्क को हम सेट करते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ इधर से डस्ट पड़ गया है, इसको हम वापस साफ कर लेते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे वापस इस प्रकार से डिस्क को बैठा देते हैं। और ये मोमेंट कर रहा है और साथ साथ एक कैप खोले हुए हैं, इस कैप को भी वापस इसी पे बैठा देते हैं और जो भी सारे स्क्रू खोले हैं सारे स्क्रू अभी इसी में हम वापस टाइट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं जल्दी से अभी हम इसको वापस टाइट करते हैं। देखते हैं इस प्रकार से सारे स्क्रू को अभी हम टाइट कर लिए हैं और थोड़ा सा डिस्क पे थोड़ा सा डस्ट पड़ गया है, सारे स्क्रू था डिस्क के ऊपर सारे को अभी हम वापस टाइट कर लिए हैं और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देख सकते हैं इस प्रकार से डस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। और फिलहाल हम इसको साफ करने की कोशिश करते हैं और ये साफ करके वापस इसका कवर हम लगाएंगे और देखेंगे कि ये वर्क कर पा रहा है कि नहीं पा रहा। तो चलते हैं गाइस जल्दी से, इसका अभी हम जो जो इसका स्क्रू निकाले हैं ढक्कन निकाले हैं सारे को वापस इसमें अभी हम फिट करने वाले हैं और इस प्रकार से आप देख सकते हैं वापस इस प्रकार से बैठाते हैं। इस प्रकार से वापस अभी हम कवर ऊपर का यहाँ पे फिट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं और जितने सारे यहाँ पे स्क्रू आप निकाले हैं सारे को अभी जितने सारे यहाँ पे स्क्रू है सारे को अभी हम यहाँ पे फिट करते हैं। तो यहाँ से 6 स्क्रू 7 स्क्रू सभी को हम यहाँ पे जल्दी से फिट कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और स्क्रू पीछे का भी आपका यहाँ पे कार्ड लगा हुआ है जो पावर कार्ड है और डाटा कार्ड है इसी के मदद से ये सारे ऑपरेट हो पाता है। तो जल्दी से चलते हैं, इसको भी हम जैसे खोले हैं उसी प्रकार से वापस इसको भी हम फिट कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से वापस अभी हम फिट कर दे रहे हैं, हम इसको ओपन कर लिए और आपको हम डिटेल से दिखाएंगे इसके क्या इसमें पार्ट्स लगा हुआ है। और जल्दी चलते हैं वापस, जितना सामान हम इससे निकाले हैं पार्ट्स जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, फैन, रैम और SMPS जल्दी से हम फिट करते हैं कैबिनेट पे और वापस अभी हम चालू करके दिखाते हैं ये चालू हो पाता है या नहीं हो पाता है। सो गाइज आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, हमारे चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आते ही रहते हैं और साथ आने वाले समय पे और भी इससे बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे चैनल पे। तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो पे हम 100 लाइक रखते हैं तभी और इससे बेहतर बेहतर हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं जल्दी से, इसको अभी हम फिट कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से डिविड राइटर को हम फिट कर लिए हैं और यहाँ पे केबल कनेक्शन बचा हुआ है और इसका कनेक्शन करके वापस अभी हम इस CPU को चालू करके दिखाने वाले हैं और जल्दी चलते हैं हार्ड डिस्क को भी हम फिट कर लेते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है इस प्रकार से वापस जिस जगह पे लगा हुआ था उस जगह पे हम लगा लेते हैं। देख सकते हैं हार्ड डिस्क का स्क्रू हम दोनों टाइट कर लिए हैं और जल्दी से चलते हैं आपको हम दिखाते हैं केबल कनेक्शन, ये 24 पोर्ट का है और मदरबोर्ड पे लगा होता है, इसको भी आपको फिट करना होगा अच्छे से। 4 पोर्ट का भी केबल रहता है, इसको भी अभी हम फिट कर लेते हैं और यहाँ से इस प्रकार से फिट कर लिए हैं। अब यहाँ पे बचा है हार्ड डिस्क और DVD का पावर और डाटा केबल लगाने के लिए। तो चलते हैं जल्दी से, अभी हम यहाँ पे हार्ड डिस्क का डाटा केबल को फिट करते हैं और इस प्रकार से SATA केबल है यहाँ पे, इसको जल्दी से चलते हैं वापस। इस प्रकार से पावर केबल हम फिट कर लिए हैं और यहाँ पे SATA केबल एक DVD और एक हार्ड डिस्क के लिए है, इसको भी वापस हम जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं। यहाँ पे जैक बना हुआ है SATA केबल, इसी पे अभी हम फिट कर रहे हैं। सो गाइस इस प्रकार से एक फिट कर लिए और ये अभी हम दूसरा यहाँ पे फिट कर लिए। तो देख सकते हैं एक वापस यहाँ पे हार्ड डिस्क पे चला जाएगा और दूसरा ये DVD पे चला जाएगा लिए हैं। और जल्दी से चलते हैं CPU को अभी हम चालू करके दिखाते हैं, उससे पहले एक कवर है, कवर को अभी हम फिट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से सारे
देखते हैं इस प्रकार से जो भी सीपीयू में जो भी पार्ट्स लगे हुए थे, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, जीबीडी, सारे को ओपन करके आपको दिखाएं। और इसको अभी हम चालू करके दिखाते हैं ये चालू हो पाता है या पाएगा। सो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे, तो जल्दी चलते हैं। अभी हम नीचे ऑफिस में लेकर के जाते हैं और वहाँ पे चालू करते हैं, सारा मॉनिटर कीबोर्ड भी अटैच भी करके दिखाते हैं। तो चलते हैं गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस आप देख सकते हैं हम छत के ऊपर से नीचे आ गए हैं और यहाँ पे अभी कोचिंग पे हम सीपीयू है, कोचिंग का ही सीपीयू है। आप देख सकते हैं हमारे कोचिंग पे इतने सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं और इसी सीपीयू पे हम लोग एक्सपेरिमेंट अभी किए हैं। और देख सकते हैं ये सीपीयू अभी चालू हो पाता नहीं हो पाता है। इसके साथ में अभी हमारे पास सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करके दिखाते हैं ये चालू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो जल्दी से चलते हैं। अभी हम यहाँ पे पावर केबल लगाते हैं एसएनपीएस पे और मदरबोर्ड पे यहाँ पे बिजली केबल लगाते हैं इस प्रकार से, और साथ साथ कीबोर्ड और माउस का यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से अभी हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए सारे, और इस प्रकार से अभी हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से स्विच दिया गया है, और साथ साथ अभी हम पावर बटन को प्रेस करते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं पावर लाइट तो आ गया है, हार्ड डिस्क का भी लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये मॉनिटर पे लाइट आता है या नहीं आता है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ मैसेज का दे रहा है, अमेरिकन मैग्नेटिक ट्रेन करके दे रहा है, F1 प्रेस करने बोल रहा है। यहाँ पे F1 प्रेस कर देते हैं, ये BIOS फाइल ओपन हो गया है। यहाँ पे अभी हम जल्दी से इसको सेव कर लेते हैं गाइस, और इस प्रकार से पता नहीं अभी ये चालू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और अच्छे से अभी आपको हम दिखा रहे हैं गाइस, यहाँ पे माउस पे भी देख सकते हैं लाइट यहाँ पे आ गया है, लग रहा है ये खराब हो गया क्या। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम दिख रहा है, ये चालू होने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड भी कनेक्ट है, यहाँ पे कीबोर्ड पे भी पावर आ गया है, माउस पे भी पावर आ गया है। और अच्छे से देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से विंडोज ओपन हो गया गाइस, मजा आया। ये कभी हम सोचे नहीं थे कि ये हार्ड डिस्क को एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ये ओपन हो पाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं सारे फाइल को अभी हम चेक करते हैं, तो सारे को अभी हम चेक कर लेते हैं कि मेरा फाइल बचा है या उड़ गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से अभी सारे फाइल अभी हमारा यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा आपको। हम कैमरा में बोलते हैं थोड़ा सा सामने आके स्क्रीन को दिखाओ, और इस प्रकार से गाइस आप देख सकते हैं सारे फाइल यहाँ पे अभी हमारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सारे जो भी ऑफिस का डाला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये सारे यहाँ पे वर्किंग पे कर रहा है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया कि सीपीयू के अंदर का सारे कमांड को बाहर किए हैं, साथ साथ दोबारा वापस जोड़े, और साथ हम एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाएं कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगा हुआ था, एक डिस्क मिला था और उसके अंदर मोटर मिला हुआ। तो चलिए गाइस हम वीडियो का यही करते हैं। जय हिंद।